नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एमपी में मोहन सरकार की सरकारी तानाशाहों पर लगाम लगाने की कवायद जारी है, जिसके चलते गणतंत्र दिवस के मौके पर सरपंच से झंडा वंदन का अधिकार छीनना रोजगार सहायक को भारी पड़ गया है। अब रोजगार सहायक के ऊपर मोहन सरकार ने गाज गिरा दी है। दरअसल मामला राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के तरेना ग्राम पंचायत का है, जहां एक सरपंच को अनुसूचित जाति से होने की वजह से रोजगार सहायक ने झंडा वंदन नहीं कराया। सरपंच मान सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि झंडा वंदन का दिन था, मैं वर्मा हूं। इस चक्कर में रोजगार सहायक लाखन सिंह सोंधिया ने किसी दूसरे से झंडा वंदन करवा दिया। उन्होंने पहले झंडा वंदन करवा दिया, आज मेरा हक छीन लिया क्योंकि मैं एक वर्मा हूँ। जिसके बाद पूरे मामले में सियासत ने जोर पकड़ा और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर सरपंच का वीडियो पोस्ट कर लिखा था, मेरे सीधे सवाल है, क्या अनुसूचित जाति का होना गुनाह है? क्या पंचायत भवन में सरपंच को झंडा फहराने का अधिकार नहीं है? मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि ऐसे दोषी रोजगार सहायक लाखन सिंह को तत्काल निलंबित करना चाहिए। वह एसटीएससी एट्रोसिटी कानून के अंतर्गत कार्यवाही करना चाहिए। जिसके बाद राजगढ़ कलेक्टर ने आरोपी रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि सरपंच को अपने अधिकार से वंचित किए जाने का मामला जानकारी में आया था। शासन के प्रावधानों के विरुद्ध अन्य व्यक्ति से ध्वजारोहण कराने की वजह से रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।